Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आप एक न्यू प्रीमियम थीम सर्च कर रहे हैं तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आता है तो जो है पहले वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12.5 या MIUI 13 के लिए अगर आप एक न्यू प्रीमियम थीम सर्च कर रहे हैं तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहिए उसको अप्लाई करने के बाद गूगल का फोल्डर में, तो इसमें आपको न्यू टैब का आइकन्स देखने को मिलता है। गूगल का फोल्डर आपको सिमिलर होम स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आपका टूल्स का फोल्डर में भी आपको सिमिलर टाइप का आइकन देखने को मिलेगा। इस आइकन पैक में आपको काफी ज्यादा आइकन्स मिसिंग भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहिए इसका वॉलपेपर या विजेट, तो विजेट आपका चेंज नहीं होता। आपको ये वॉलपेपर प्लानेट का सभी जगह में आपको देखने को मिलने वाला है। आपको कंट्रोल सेंटर में भी सिमिलर जो है या सेम आपको प्लानेट का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। अगर आप जाएगा तो इसमें आपको जो है मेन टॉगल्स चेंज हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ, वाईफाई, बैटरी और बाकी टॉगल्स चेंज नहीं होता। अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में भी आपको डार्क मोड डिसेबल करने के बाद, क्योंकि आपका डार्क मोड ये थीम सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको लाइट मोड के साथ ही डार्क बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, सेम वॉलपेपर, मल्टी कलर का आपको जो है इसमें टॉगल्स, और अगर आप जाएगा इसका अबाउट फोन में या आपका ऑल स्पेक्स में, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। सेम आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, हर एक जगह में आपको वही वॉलपेपर देखने को मिलता है। अपडेटेड ऐप में चेंजेस होना चाहिए था, बट इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। ओवरऑल काफ़ी कंसिस्टेंट थीम है। अगर आप जाएगा इसका डिस्प्ले या कोई और भी सेटिंग्स का यूआई में, तो सभी जगह में आपको सिमिलर चेंजेस देखने को मिलता है। और मेरे को पर्सनली ये थीम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी जो चेंजेस है काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर आप जाएगा बाकी जैसे इसका एडिशनल सेटिंग्स में, तो आपको एडिशनल सेटिंग्स में आपको सिमिलर लुक देखने को मिलता है, सिमिलर चेंजेस डायलर मैसेजेस आप चेंज नहीं होता, जो कि आपको पता ही है आजकल। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि इसका वॉल्यूम स्लाइडर में, तो वॉल्यूम स्लाइडर में भी आपको जो है कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता, जो कि आई गेस होना चाहिए था चेंजेस। मतलब वॉल्यूम स्लाइडर कुछ कलर चेंज कर दे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे इसका लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में आपको सिमिलर सेम आपको वॉलपेपर, एनिमेटेड वॉलपेपर देखने को मिलता है। दो वॉलपेपर देखने को मिलेगा सेम प्लानेट का। और अगर आप इसको राइट तरफ स्वाइप कीजिए, तो इसमें आपको और भी विजिट्स, एनालॉग, डिजिटल सभी आपको जो है क्लॉक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डबल टैप कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ लुक देखने को मिलेगा। और अगर आप स्वाइप कीजिएगा राइट से, तो आपको ये कस्टमाइज करने का ऑप्शन, जो कि आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको प्लानेट का दो वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। आपको तीन डिफरेंट विजिट्स देखने को मिलेगा, जो कि आप इसको भी सेट करके यूज कर सकते हैं। तो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे थीम। इसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है, और होम स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया हुआ है। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। और इसमें आपको बाकी जैसे कि ट्विटर और बाकी और भी ऐप्स देखने को मिलता है, जहाँ से आप डायरेक्टली क्विक एक्सेस कर सकते हैं वो सिलेक्टेड ऐप्स को। और बताइए आपको कैसा लगे इसका लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर में, सर्च करना होगा अक्रॉस द प्लानेट। जैसे आप सर्च कीजिएगा थीम स्टोर में जाके अक्रॉस द प्लानेट, तो आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए अक्रॉस द प्लानेट, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये थीम। और आई होप आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आया होगा। थीम पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो चाहिए पहले वीडियो को लाइक मारिए। वीडियो में लाइक 120 का रखते हैं, कंप्लीट कीजिए, जाके 120 लाइक्स मारिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मतलब सजेस्ट भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग भूल जाते हैं, तो जाइए कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।